राजस्थान के इस बार के विधानसभा चुनाव में जब परिणाम आए तो राजेंद्र राठौड़ की हार हो गई। वो चुनाव हार गए तारानगर से। उन्होंने अपनी सीट बदली थी। पहले वो चुरू से विधायक रहे, तारानगर से भी एक बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो चुरू से लगातार अपनी राजनीति सक्रिय रूप से करते आ रहे थे। पिछली बार चुरू में मार्जिन उनका कम रहा 2018 के चुनाव में, जब वो जीते करीब 1700-1800 के लगभग मतों से वो जीते थे। तो इस बार वो अपनी सीट बदलकर तारानगर आ गए। हालांकि तारानगर आने के पीछे उनका मार्जिन का ये कारण नहीं बताया गया, बल्कि कुछ और भी कारण थे जिस वजह से वो तारानगर की चुनावी राजनीति में उतरे। लेकिन राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारना साख खत्म होना नहीं बताया जाता है। राजेंद्र राठौड़ को भाजपा के राजस्थान के दिग्गज नेताओं में आज भी गिना जाता है और वो सक्रिय रूप से अपने समर्थकों से मिलते हैं, उनके काम करवाते हैं। लोगों का जमावड़ा भी उनके घर पर हाल ही में एक वीडियो में देखा गया था। लेकिन राजेंद्र राठौड़ अब जब तारानगर से हारे हैं, 7 बार के विधायक जब तारानगर से हारे हैं और अब जब उन्हें लोकसभा में भी मौका नहीं मिला है, तो चुनावी राजनीति में उनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजेंद्र राठौड़ आगे चुनावी राजनीति में उतरेंगे। उम्र के लिहाज से बात करें तो 70 वर्ष के करीब उनकी उम्र होने जा रही है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अब चुनावी राजनीति में उतने सक्रिय नहीं रहना चाहते। ये लोगों के कयास है सोशल मीडिया पर। लेकिन अब उनके बेटे पराक्रम राठौड़ को चुरू में जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का। जी हां, पराक्रम राठौड़, राजेंद्र राठौड़ के बेटे, अब चुरू में भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन पराक्रम राठौड़ क्या राजेंद्र राठौड़ की जगह लेने जा रहे हैं, यानी कि क्या चुनावी राजनीति से राजेंद्र राठौड़ रिटायर होंगे और पराक्रम राठौड़ उनकी जगह वहां चुरू की राजनीति में, तारानगर की राजनीति में लेंगे, इसका जवाब कब मिलेगा? इसका जवाब मिलेगा 4 जून के बाद। 4 जून के परिणाम हो सकता है कि ये चीजें तय करें, क्योंकि 4 जून का जो चुनाव, चुरू का चुनाव है, वो चुनाव राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कस्वां देखा जा रहा है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ की ऐसी कोई बड़ी भागीदारी सामने नहीं आई है कि जिस वजह से राहुल कस्वां का टिकट कटा हुआ उनकी वजह से माना जाए, लेकिन कस्वां लगातार राजेंद्र राठौड़ पर ही आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने उनका टिकट कटवाया है। इस वजह से वो कांग्रेस में गए और अब चुनाव सामने हैं। लोगों का ये कहना है कि चुरू का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के अपने दावे हैं जो उन्होंने हमारे ही इंटरव्यू में किए हैं कि चुरू में कमल खिलेगा और जिन्होंने पार्टी को धोखा देकर पार्टी बदली है उन्हें जनता सबक सिखाएगी। लेकिन पराक्रम राठौड़ की एंट्री क्या कहती है? पराक्रम राठौड़ को अचानक से भाजपा उपाध्यक्ष चुरू में बना देना, ये क्या राजेंद्र राठौड़ का एक गेम प्लान है? क्या वो चुरू की राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित रखना चाहते हैं, सक्रिय रखना चाहते हैं? ये सवालात लगातार उठ रहे हैं। हालांकि पराक्रम राठौड़ की राजनीति को लेकर, उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर, चुनावी राजनीति को लेकर राजस्थान चौक के इंटरव्यू में हमने उनसे सवाल किया था। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा था। पराक्रम, आपके जो बेटे हैं उनको राजनीति, ना पराक्रम की राजनीति की चिंता है? हाँ। आप उसको लेकर कुछ सोचते नहीं है राजनीति को लेकर? फिक्र हटा चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं सैन शाह। राठौड़ तो पराक्रम की राजनीति को लेकर कोई उतना खास जवाब उन्होंने नहीं दिया कि वो क्या चुनावी राजनीति में उतरेंगे, यानी कि उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन आपको क्या लगता है, राजेंद्र राठौड़ की जगह पराक्रम लेने जा रहे हैं? क्या चीजें होंगी चुरू की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में और राठौड़ स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में? लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आकाश आपसे ले रहा हूं अलविदा। हम जल्द ही एक नए वीडियो में मिलेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान चौक।